गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माई सेल्फ अमन कुमार दुबे, पीजीटी मैथ्स ऑफ जर्मी एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन ऑन टू एंड वन वन फंक्शन बाय गिविंग सम एग्जाम्पल दैट हाउ कैन वी टेक द फंक्शन ऑन वन वन और ऑन टू। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आई हैव टोल्ड दैट इफ द प्री इमेज एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ every element of codement then the function is called onto function. Okay, and the for one one function what I have told that if different element have different images then the function is called one one. Okay, if the different element have different images then the function is called one one function, and if the pre image exists for every function of every element of codomain then the mapping is called onto. Now let us take an example. If a mapping defined from natural number to natural number, okay, by given f equal to मतलब function आपका define किया गया x square, एक square function natural number से natural number पे define किया गया है आपके लिए। अब इसके बारे में आपको पता करना है क्या ये function one one या onto होगा। तो सबसे पहले just एक normal example लेते हैं। अगर ये one को लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये वन को बताइए कहाँ पे भेजेगा, वन पे भेजेगा। टू को लेंगे अगर आप, ये कहाँ भेजेगा, फोर पे भेजेगा। सिमिलरली थ्री को लेंगे आप तो ये नाइन पे भेजेगा। ऐसे आप सारे नेचुरल नंबर के लिए चेक कर सकते हो। तो क्या ये फंक्शन वन वन की डिफिनेशन को क्लियर रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर? ऐसा कोई एग्जांपल है कि दो एलिमेंट का आप सेम इमेज बता सकते हो? अगर ऐसा होगा तो वन वन फंक्शन ही होगा, बट क्या नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल है कि इस फंक्शन स्क्वायर फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो? अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन सबको नहीं दिख रहा है कि